हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज जो हम सब्जी बनाना बता रहे हैं, मिक्स वेज बता रही हूँ मैं, कुकर में कैसे बनाएं झटपट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। हमने 15 से 20 ये फ्रेंच बीन्स ले ली हैं, 3 गाजर को कट कर लिया है, थोड़े से मटर हैं हाफ कप के करीब, और 200 ग्राम के करीब गोभी है जिसको मैंने हल्का सा ब्लांच कर लिया है, और एक बड़े आलू को मैंने काट लिया है। सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से धो के साफ करके हमने रखा है। मसाले में साथ साथ आपको बताती जाऊंगी क्या क्या डालेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं बढ़िया सी रेसिपी मिक्स वेज कुकर में। अब हम डाल रहे हैं कुकर में थोड़ा सा ऑयल 2 टेबलस्पून के करीब, साथ में डालेंगे करी पत्ता 5 से 6 करी पत्ता, करी लीव्स जो आती हैं जो हम सांभर में डालते हैं। उसके बाद डालेंगे हम हरी मिर्च बीच में से स्लिट करके, जीरा 1 चम्मच जीरा डालेंगे हम इसमें, जीरे की खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब हम इसमें सारी सब्जियां डाल देंगे, एक हरी मिर्च भी हमने इसमें काटी हुई है वो भी हम इसमें डाल देंगे। हरी मिर्च हमारी सूखी है, मेरे गले में लग रही है, ये सारी चीजें हम इसमें सारी सब्जियां डाल के मिक्स करते हैं। इनको अब हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, देखिए कितना सुंदर कलर है। कोई भी सब्जी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो सब्जी आपको पसंद है वो डाल दीजिए, जो नहीं पसंद है उसको स्किप कर दीजिए। और इसको 1 मिनट के लिए भूनेंगे। अब हम डाल रहे हैं इसमें नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ी सी डालेंगे अब इसमें हम हल्दी 1/2 चम्मच के करीब, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। MDH का गरम मसाला 1/2 टीस्पून, और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में। सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। और ये यम्मी सी फटाफट बनने वाली सब्जी बिना प्याज की, बिना प्याज लहसुन की कैसे कुकर में झट से बनाएं, इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 कप पानी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि सब्जियों को हमने अच्छे से भून लिया है। एक बार चला देंगे इसको और हम प्रेशर कुकर को बंद करेंगे, इसका ढक्कन लगाएंगे और 2 विसल आने तक इसको पकाएंगे। 2 विसल आ गई हैं, गैस को हम करेंगे ऑफ और प्रेशर कुकर को ठंडा होने देंगे। ये देखिए हमने कुकर को खोल लिया है, सब्जी बहुत अच्छे से गल गई है और हल्का सा पानी है जिसको हम गैस पे रख के सुखा रहे हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे ऊपर से हरा धनिया, गैस को करेंगे ऑफ, और ये देखिए खूबसूरत सी लगने वाली हमारी ये सब्जी बनकर तैयार है और बहुत अच्छे से गल गई है। मैं आपको यहां दिखाऊं, बहुत अच्छे से बहुत स्मूथली ये गल गई है। तो अब इसकी प्लेटिंग करते हैं, देखिए कितनी सुंदर लगी है और फटाफट बनने वाली है। ये देखिए परफेक्ट सब्जी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी। ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज़।